हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम सुमित तिवारी और ये हमारी पैटर्न प्रिंटिंग ट्यूटोरियल सीरीज का 15th पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम कुछ नए पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम ये पांच पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन पांचों पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है ये सेम है। ओके, ये पांचों पैटर्न एक दूसरे से बहुत सिमिलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले आज इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे और फिर इस पैटर्न की हेल्प से ये बाकी के चार पैटर्न ड्राइव करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न के लिए कोड करना। ओके, तो अब इस पैटर्न के लिए हम बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स। तो नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स के लिए हम क्या निकालेंगे, इस पैटर्न की रोज काउंट करेंगे। नंबर ऑफ रोज इस पैटर्न में कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ रोज है 5, मतलब जो हमारा आउटर लूप है वो कितनी बार रन होगा, 5 times रन होगा। अब इसे मैं 1 to 5 रन कर सकता हूँ, 5 to 1 रन कर सकता हूँ, तो मैं इसे फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए 1 to 5 रन कर रहा हूँ। ओके, आप इसे 5 to 1 भी चला सकते हैं, दोनों में ही एक सा पैटर्न आपको मिलेगा। इसको हम आगे चल के अभी डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल मैं इसे 1 to 5 रखूंगा। तो मेरा कोड किस टाइप से होगा आउटर लूप का, i इज इक्वल 1, i विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ओके, देन सेकेंड इन्फॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ इनर लूप रन्स। तो नंबर ऑफ इनर लूप रन्स के लिए मुझे क्या काउंट करना पड़ेंगे, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ अगर हम देखें, जब फर्स्ट रो प्रिंट हो रही है तो कितने कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, 5। जब सेकंड रो प्रिंट हो रही है तो कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, 4। जब थर्ड रो प्रिंट हो रही है तो कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, 3। देन जब फोर्थ रो प्रिंट हो रही है तो 2 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, और जब फिफ्थ रो प्रिंट हो रही है तो सिर्फ 1 कॉलम प्रिंट हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो कॉलम्स की प्रिंटिंग है ये वेरी कर रही है, हर रो पे। और जो ये वेरिएशन है या जो ये चेंजेस हैं, ये किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब सबसे पहले 5 रो कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, देन 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, देन 3, 2, देन 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम अपने इनर लूप को 5 से इनिशियलाइज करके 1 तक चला सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसे बात करूँ आउटर लूप और इनर लूप वेरिएबल्स की टर्म में, तो जब मेरे आउटर लूप, क्योंकि आउटर लूप का जो वेरिएबल है वो मैंने आई माना हुआ है, तो जब आई की वैल्यू 1 है तो मैं अपने इनर लूप को 5 to 1 चला सकता हूँ। ओके, तो ये 5 times प्रिंट करेगा। जब आउटर लूप की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है, तो मैं अपने जो इनर लूप है मैं उसे 5 to 2 चला सकता हूँ। तो ये टोटल 4 times रन होगा, तो मुझे 4 जो ये 4 कॉलम्स प्रिंट करने हैं ये मुझे मिलेगा, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए एंड 2 के लिए। फिर जब i की वैल्यू 3 है तो मैं इनर लूप कितनी बार चला सकता हूँ, j को 5 से 3 तक चला सकता हूँ, तो ये एग्जैक्टली 3 times रन होगा। जब i की वैल्यू 4 है तो मैं j को 5 to 4 रन कर सकता हूँ, मतलब ये सिर्फ 2 times रन होगा, 5 के लिए और 4 के लिए। और जब i की वैल्यू 5 है तो मेरा इनर लूप सिर्फ 1 बार रन होगा, दैट इज 5 के लिए, मतलब जब j की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जो हमारा इनर लूप की जो कंडीशन है ये किस पे डिपेंडेंट है, i पे। ओके, तो जो मेरा इनर लूप रन्स है वो i पे डिपेंडेंट है, और जो कंडीशन मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो क्या है, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। ओके, अगर ये कंडीशन मैं रखूंगा तो हमारा इस टाइप से ये पैटर्न बनेगा। तो मेरा इनर लूप का कोड किस टाइप से हो सकता है, j इज इक्वल टू 5, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i एंड j माइनस माइनस। ओके, तो ये इस टाइप के कोड से मुझे क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब भी चलेगा तो मुझे 5 to 1 तक ये रन होगा, अगली बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 5 to 2 रन होने लगेगा, एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा इनर लूप हो गया। अब थर्ड इन्फॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए है कि मुझे क्या प्रिंट करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं कॉन्स्टेंट सिम्बॉल एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंटिंग में एस्ट्रिक है, इसलिए यहाँ इनर लूप में क्या आएगा, एस्ट्रिक प्रिंट होगा। और इनर लूप और आउटर लूप के बीच में हमारी एक न्यू लाइन स्टेटमेंट आएगी, और ये पर्टिकुलर कोड को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये पैटर्न मिलेगा। ओके, इस पर्टिकुलर कोड की जगह आप चाहें, अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए कोई और कोड करना चाहें तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ये वाला कोड मैंने अभी डिस्कस किया, हमने अभी डिस्कस किया है, मैंने यहाँ पे मेरे आउटर लूप को 1 से 5 तक रन किया है। ओके, अगर आप चाहें तो अपने आउटर लूप को 5 to 1 भी चला सकते हैं। ओके, बट उसके अकॉर्डिंग आपको आपके इनर लूप को चेंज करना होगा
क्योंकि ये जो प्रिंटिंग है, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये आपका आउटर लूप और इनर लूप के रिलेशन के बेसिस पे बन रहा है। ओके, तो यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने अपने आउटर लूप को 1 से 5 तक रन किया है, तो मैंने अपने इनर लूप को 5 to i लेके आया हूँ। ओके, मतलब जो आउटर लूप है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आप रख रहे हो 1 2 3 4 इस टाइप से रन होगा, तो आपको इनर लूप आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सिमिलरली अगर आप अपने आउटर लूप को 5 to 1 रन कर रहे हो, ओके, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे आउटर लूप का काम है 5 टाइम्स चलना। ओके, अब वो 1 to 5 चले, 5 to 1 चले, इस पर्टिकुलर पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 5 to 1 रन करना चाहता हूँ, तो मैं अपने इनर लूप को 1 to i रन करूंगा। दोनों ही केसेस में आपको सेम पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो भी यही पैटर्न मिलेगा, अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो भी आपको यही पैटर्न मिलेगा। फिलहाल हम इस पैटर्न को लेके चलते हैं। ओके, और चलिए हम अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पर्टिकुलर पैटर्न कैसे आउटपुट में हमें मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले जब ये कोड रन होना स्टार्ट होगा, हमारा कंट्रोल आएगा इस आउटर लूप इनिशियलाइजेशन पे। यहाँ पे हमारा आउटर लूप आई आई जो है आउटर लूप वेरिएबल, ये 1 से इनिशियलाइज होगा। कंडीशन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, आई विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो करंट कंडीशन क्या है, 1 is smaller than equal to 5, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमें हमारा इनर लूप मिलेगा, जे इज इक्वल 5। ये जो हमारा जे वेरिएबल है ये 5 से इनिशियलाइज हुआ है। कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो करेंट आई की जो करेंट वैल्यू है वो है 1, और कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं 5 is greater than equal to 1। तो एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम इस लूप के अंदर आएंगे और क्या प्रिंट होगा, एक एस्ट्रिक सिंबल। अब यहाँ से हमारा इनर लूप कंटिन्यू होगा, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो एक और एस्ट्रिक प्रिंट होगा। देन अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 3, एक एस्ट्रिक मिलेगा। फिर कंटिन्यू होगा लूप, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 2, एक एस्ट्रिक ऑपरेंट होके मिलेगा। अगेन लूप कंटिन्यू होगा, जे माइनस माइनस एग्जीक्यूट होने से जे की वैल्यू हो जाएगी 1, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो आपको एक एस्ट्रिक ऑपरेंट होके मिलेगा। इसके बाद जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब हमारा ये लूप नहीं चलेगा और हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, ये न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ से हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा। जैसे ही हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा, तो आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू अब हो जाएगी कितनी, 2। अभी भी ये कंडीशन आप देख रहे हैं ट्रू है, 2 is smaller than equal to 5, कंडीशन ट्रू है। तो हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे और हमारा इनर लूप फिर से इनिशियलाइज होगा। जे 5 से इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की करंट वैल्यू है 2, तो कंडीशन हम क्या टेस्ट करेंगे, 5 is greater than equal to 2, कंडीशन ट्रू है, 5 2 से बड़ा होता है, तो एक कंडीशन ट्रू है। हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे और हमें क्या मिलेगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट करने को, तो हम एक एस्ट्रिक आउटपुट में प्रिंट करेंगे। अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन ट्रू है, तो एक एस्ट्रिक आउटपुट में आएगा। अगेन लूप कंटिन्यू होगा, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है, एक एस्ट्रिक और आउटपुट में आएगा। देन अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू है, तो एक एस्ट्रिक ऑपरेंट होगा। इसके बाद जब फिर से लूप कंटिन्यू होगा, तो जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, 1 is greater than equal to 2, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो लूप हमारा ब्रेक होगा, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और अब इसके बाद हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन अभी ट्रू है, 3 is smaller than equal to 5, कंडीशन ट्रू है, इसलिए लूप के अंदर का कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, इनर लूप इनिशियलाइज होगा, j is equal to 5, कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं, j is greater than equal to i, i की करंट वैल्यू है 3, तो प्रेजेंट कंडीशन क्या बनती है, 5 is greater than equal to 3, कंडीशन ट्रू है, 5 3 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, हमें मिलेगा एक एस्ट्रिक, हम प्रिंट करेंगे। अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 is greater than equal to 3, कंडीशन ट्रू, तो एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा। अगेन लूप कंटिन्यू होगा, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन ट्रू है, इसलिए फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और एक एस्ट्रिक हमें प्रिंट होके मिलेगा। इसके बाद अगेन लूप कंटिन्यू होगा, जे माइनस माइनस जे की वैल्यू हो जाएगी 2, अभी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज 2 3 से छोटा होता है, बड़ा नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स है। आपका ये लूप ब्रेक होगा, ये न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज अब हम इस लूप से बाहर आ गए,
और अब यहाँ से हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा। आउटर लूप कंटिन्यू होगा आई प्लस प्लस एग्जीक्यूशन के कारण आई की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 4। अभी भी आप देखें तो ये कंडीशन ट्रू है, 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, मतलब हमारा कोड जो है इस लूप के अंदर का वो फिर से रन करेगा। आप अंदर आएंगे, इनर लूप इनिशियलाइज होगा, जे इज इक्वल 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की करंट वैल्यू 4 है, मतलब आप कंडीशन का टेस्ट करेंगे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, तो कंडीशन ट्रू है इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा। अब इसके बाद लूप कंटिन्यू होगा, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है इसलिए फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और आपको एक एस्ट्रिक और मिलेगा। ओके, अब यहाँ से जे माइनस माइनस से के कारण जे की वैल्यू हो जाएगी 3, ये कंडीशन फॉल्स है। ओके, तो आपका जो इनर लूप है अब वो ब्रेक करेगा। इस पर्टिकुलर रन में इसने सिर्फ 2 स्टार्स या 2 एस्ट्रिक प्रिंट किए हैं। अब ये लूप ब्रेक हो गया तो आप ये न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ से आपका आउटर लूप अगेन कंटिन्यू होगा। आई प्लस प्लस एग्जीक्यूशन के कारण अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 5, 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, 5 5 से छोटा नहीं होता बट 5 5 के बराबर होता है, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है इसलिए आपका लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। आप इसके अंदर आएंगे, इनर लूप इनिशियलाइज होगा, जे इज इक्वल टू 5, कंडीशन आप टेस्ट कर रहे हैं जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की करंट वैल्यू है 5, तो करंट कंडीशन क्या बनी 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन भी ट्रू है इसलिए आप इस लूप के अंदर आएंगे और एक एस्ट्रिक प्रिंट करेंगे। अब जैसे ही ये इनर लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यू होगा, तो आई जे माइनस माइनस के थ्रू आपकी जे की वैल्यू 5 से डिक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप आपका होगा ब्रेक, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से अब आप अपने आउटर लूप को कंटिन्यू करेंगे। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो जाएगी 6, अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई है, 6 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए आपका अब ये लूप भी चलना बंद हो जाएगा। ओके, और हम इस कोड के बाहर आ जाएंगे। तो जब तक ये कोड रन हुआ, इसने आपको आउटपुट में क्या दिया, ये पर्टिकुलर पैटर्न। इस पर्टिकुलर कोड को रन करने के बाद आपको क्या मिला, ये पर्टिकुलर पैटर्न आउटपुट में मिलेगा। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से काम करेगा। इसी कोड में कुछ चेंजेस परफॉर्म करके हम अगर चाहें तो हम और पैटर्न्स भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए हम इस पर्टिकुलर पैटर्न से की हेल्प से कुछ और पैटर्न्स भी ड्राइव करते हैं। ओके, अभी हमने इस पैटर्न के लिए कोड किया है, अब हम इन चारों पैटर्न्स को इस पर्टिकुलर पैटर्न के कोड की हेल्प से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए कोड अभी हमने क्या किया है, ये फॉर आई इज इक्वल 1, आई विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल 5, जे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जे माइनस माइनस, एस्ट्रिक प्रिंटिंग एंड न्यू लाइन। ओके, अब अगर इस पर्टिकुलर कोड को मैं कॉपी करूं, ओके, इस पर्टिकुलर पैटर्न को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, अब यहां आप देख रहे हैं यहां पे कोई कांस्टेंट सिंबल नहीं है, ओके, यहां पे एक नंबर प्रिंट हो रहा है। आई होप आपने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने इससे पहले के जो प्रीवियस ट्यूटोरियल वीडियोस हैं उनको देखा है तो आप बहुत इजीली ये वैल्यूज निकाल पा रहे होंगे, आप गैस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें किस चीज़ की प्रिंटिंग करनी है। आप इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियोज, स्पेशली जो इंट्रोडक्शन वीडियोज हैं स्टार्टिंग के टू टू फाइव पार्ट जो हैं, 1-2 पार्ट जो हैं, इनको आप देखें, उससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि हमें एक वैल्यू प्रिंट करनी है और वैल्यू कैसी है, ये एक पर्टिकुलर रो में कांस्टेंट आ रही है, रो वाइज चेंज हो रही है। ओके, एक पूरी रो में जैसे यहाँ आप देखें 1 1 1 1 1, देन 2 2 2 2 2, तो इस टाइप की जो वैल्यू है वो हमें इन जनरल किस वेरिएबल की हेल्प से मिलती है, आउटर लूप वेरिएबल की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, आउटर लूप वेरिएबल आई की वैल्यू प्रिंट करूंगा। ओके, तो अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। ओके, कोड यही है, सिर्फ एक एस्ट्रिक की जगह मैंने आउटर लूप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है। अब सिमिलरली अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं और यहां पे इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए मैं कोड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे मैं किस वैल्यू में चेंज करूंगा, देखिए आउटर लूप और इनर लूप में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे प्रिंटिंग किस बेसिस पे हो रही है, 5 4 3 2 1, जो वैल्यू है वो कॉलम वाइज चेंज हो रही है। ओके, तो इस टाइप की वैल्यू जो कॉलम वाइज चेंज होती है, ये इन जनरल हम इनर लूप वेरिएबल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं इनर लूप वेरिएबल जे की प्रिंटिंग करूंगा। ओके, इस पर्टिकुलर कोड में अगर मैं जे की प्रिंटिंग करूंगा तो मुझे ये वाला पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। लॉजिक बिल्कुल वही है, रनिंग बिल्कुल वैसी होगी, एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसा ही होगा। ओके, सिर्फ हम अब एक एस्ट्रिक की जगह जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो ये पैटर्न मिलेगा, अगर आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो ये वाला पैटर्न मिलेगा। ओके, अब हम इस पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ अगर इस पैटर्न में हम देखें तो स्ट्रक्चर तो इसका भी सेम है, मतलब जो आउटर लूप रन है वो इनर लूप रन्स हैं जो वो सेम ही होंगे, बट यहाँ पे हम उनमें कुछ चेंजेस परफॉर्म करेंगे हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि इस पर्टिकुलर पैटर्न का जो आउटर लूप है वो मैं 5 से 1 तक रन करूँगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने इनर लूप को चेंज करूँगा। इसको और इन दोनों कोड्स को आप चेक करें, ये भी 5 टाइम्स रन हो रहा है इसका आउटर लूप, इसका भी आउटर लूप 5 टाइम्स रन हो रहा है। ये भी आई पे डिपेंड है इनर लूप और ये भी आई पे डिपेंड है। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये 1 to 5 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे 5 to i रन किया है इनर लूप को, और यहाँ जो आउटर लूप है वो 5 to 1 चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनर लूप को 1 to i रन किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज मुझे यहाँ जो प्रिंटिंग है वो मुझे पहले 5 की चाहिए है, फिर 4, फिर 3, तो ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में है और मुझे मालूम है कि ये जो सेम वैल्यूज हैं ये मुझे आउटर लूप वेरिएबल से मिलती हैं, तो मैंने आउटर लूप वेरिएबल को उसके अकॉर्डिंग कोट किया है। तो यहाँ पे मैं प्रिंटिंग किस चीज़ की करूँगा, आई की ही करूँगा, आउटर लूप वेरिएबल की, और आउटर लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन उसके अकॉर्डिंग करूँगा। अगर यहाँ पे मुझे 6 से लेके 2 तक रन करना होता, मतलब 6 6 6 6 6 एंड देन 5 5 5, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मैं 6 से इनिशलाइज कर सकता था। ओके, सिमिलरली अगर इस पैटर्न में मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर कोड को जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही इस कोड को रख के मैं यहाँ पे सिर्फ i की जगह j की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो ये पर्टिकुलर पैटर्न मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देखें तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में, मतलब ये जो इनर लूप वाला ये प्रिंटिंग का है और ये थर्ड नंबर वाला, इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस बिकॉज मुझे पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने अपने जो इनर लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन चेंज किया। यहाँ पे ये 5 4 3 2 1 चल रहा था इसलिए यहाँ पे ये 5 से i तक रन हो रहा था, कंडीशन ठीक थी, बट यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए तो मुझे यहाँ इनर लूप का इनिशियलाइजेशन 1 से i तक ले जाना मैंडेटरी है। इसलिए यहाँ पे मैं ये जो कंडीशंस हैं, ये जो इनिशियलाइजेशन की कंडीशन है और रनिंग की कंडीशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है, ये मैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर कोड की हेल्प से, एक पर्टिकुलर लॉजिक की हेल्प से स्लाइड चेंजेस परफॉर्म करके आप नए नए पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। इनको बनाने की और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, आप अपना खुद का भी कोई लॉजिक लगा सकते हैं, ये अकेला इनको सॉल्व करने का लॉजिक नहीं है, बट की पॉइंट यही है कि आप एक लॉजिक को चेंज करके जो भी आपको पैटर्न दिया गया है आप उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके आप बना सकते हैं। ओके, तो ये इन 5 पैटर्न्स के कोड हैं जो हमने अभी एक पैटर्न की हेल्प से बनाए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको इन पैटर्न्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताएं। साथ ही गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, आने वाले वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।